Indian history, black history, 26/11 black history in the Indian day. It's a fact. क्योंकि 26/11 को जो हमला हुआ इतने लोग मारे गए, ताज ताज जैसा प्रेस्टिजियस होटल जो पूरी दुनिया को इंडिया का रिप्रेजेंट करता है उस पर हमला, बहुत बड़ी बात, मतलब इंसानों के दिलों को इतनी ज़बरदस्त चोट पहुंची कि वो एक तरह से समझ ले कि ब्लैक डे, बिल्कुल ब्लैक डे माना गया कि नहीं ये जो कभी किसी ने हिमाकत नहीं की, कभी किसी ने सोचा नहीं, वो इसलिए हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने उसको ब्लैक डे का नाम दिया। और ये 26 नवंबर जो है वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाए कि 26 नवंबर को किसी आतंकवादी ने हिंदुस्तान पे हमला किया था और हम उस बेस पे फिल्म बना रहे हैं क्योंकि ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये दिन दोबारा ना आए या हिंदुस्तान के आवाम को दोबारा ये दिन ना देखना पड़े। हम इतने अलर्ट रहे, हमारी खुफिया एजेंसी इतनी अलर्ट रहे, हमारे जितने भी जो हैं हमारी जो इंटेलिजेंस इतनी अलर्ट रहे कि इस तरह से कोई हिमाकत ना कर पाए। जिन जिन लोगों से मैंने डिस्कस किया वो लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, जैसे कुलवंत सिंह जी हैं जिन्होंने बोला हाँ इस पर फिल्म पे बनाई जाए, क्योंकि कई लोग बना रहे थे, कहते जब बाढ़ आती है तो कई लोग उसमें बह जाते हैं, तो हम जैसे मजबूत इंसान भी हल्के से बह गए और बना ली और बनते बनते फिल्म एक ऐसी बन गई। लेकिन फिल्म बनाने का मकसद एक ही था कि आज हम लोग बोलते हैं कि आतंकवाद को कैसे रोका जाए, आज अमेरिका से लेकर हमारे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया से आज सहमी भी है लेकिन इसका कोई रोकथाम नहीं है। तो मैंने इसको कोशिश की गई कि फिल्म में इतना कुछ दे दिया जाए कि आने वाले टाइम पर आतंकवादी तो कोई ना बने। अजीत वर्मा का कैरेक्टर लाजवाब, अजीत वर्मा ने खुद भी ये कभी नहीं सोचा कि अजमल कसाब का रोल इतनी बखूबी से वो निभा जाएगा, उसको खुद को भी यकीन नहीं था। लेकिन यकीन मानिए उस बंदे ने, और दूसरी चीज़ उसका प्रोफाइल आप देखो, ही लुक्स लाइक अजमल कसाब। राजिंदर राज का म्यूज़िक तो माइंड ब्लोइंग है, उस बंदे ने मेरे काम में चार चांद लगा दिए, नो डाउट। इसके अंदर दो गाने हैं, दोनों ही गाने अपने आप में एक चैलेंजिंग है क्योंकि एक एकदम स्ट्रेस भरी मूवी के अंदर, एकदम जिस तरह से आपने कहा कि डिफ़िकल्ट मूवी के अंदर एक एंटरटेनमेंट का एक गाना बनाना, जिसे हम आइटम नंबर बोलते हैं आज के डेट में, वो बनाना अपने आप में एक अनलॉजिकल बात थी। मत हमारे डायरेक्टर मिस्टर अजीत वर्मा और हमारे राइटर मिस्टर पवन मिश्रा, हम तीन लोगों ने बैठ के उस पर डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उसमें एक आइटम नंबर चांदनी गाना और एक रियल सिचुएशन एक सॉन्ग है जो बैकग्राउंड सॉन्ग है उसको क्रिएट किया, बहने लगा है। चांदनी नाम है मेरा, हर कोई गुलाम है मेरा, इश्क ही बस इश्क है ये, प्यार मेरा रिस्क है ये, इश्क ही बस इश्क है ये, प्यार मेरा रिस्क है ये, ऐसा है ये इश्क का सामान मेरा, चाँ 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 चिक 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 चाँ चाँ चाँ।